अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो? अपनी बीवी के पास जाओ और जाकर उसका ख्याल रखो। एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरा उसका तुम्हारी गैर मौजूदगी में। कम अज कम ये मौसम में सरमा तो गुजारने दो इत्मीनान से। हम उसे ही सरदार बनाते हैं जिसे हम चाहें, उसे नहीं जो खुद चलकर हमारे पास आए। हमारे साथ मुकम्मल ताबुन करो हमजा, कीमत तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। सुलेमान शाह के कबीले को सर छुपाने के लिए अब दूसरों का एहसान लेना पड़ रहा है। भाई और आपके किए गए फैसले बहुत गलत है वालिदा। अच्छा हुआ कि कैद में हो तुम, क्योंकि जब तुम नौयान के साथ रहोगे तो उसका एतमाद और बढ़ेगा। तुम जानती हो हमेशा तुम्हें छोटी बहनों की तरह समझा है मैंने। आखिर क्यों इस रिश्ते को तबाह करना चाहती हो तुम? और जो तुम चाहती हो वो जगह कैसे अपने दिल में दे सकता हूं मैं तुम्हें? अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ। तू तक इन भाई से बात करनी है। वो मौजूद नहीं है और सरदार सो रहे हैं। कुछ जरूरी बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं। बताओ मुझे कोजाबाश, तुम्हें देख के लगता है जरूरी बात है कोई? अर्तुरुल, कोई मसला खड़ा करने वाला है। समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं? घबराओ नहीं, कबीले का हर मसला मेरी भी परेशानी का बाइस है। वो पहले अपने सिपाहियों से छुपकर मिला, उसके बाद उसने जिंदान में जाकर अब्दुर्रहमान से मुलाकात की, फिर मुहाफिजों को बाहर भेजकर उसने कुछ हिदायत दी। मुझे तो गड़बड़ लग रही है कोई। दिलीप अमीर भी उनके साथ शामिल है। अब गौर से बात सुनो मेरी। तू तक इनका तुम बहुत एहतराम करते हो जानती हूं मैं। जी बिल्कुल। गुंदुगदू की भी इज्जत करते हो और उसकी जान बचाकर तुम उसका भरोसा जीत चुके हो। तो जाके गुंदोगदों को बताओ ये सारी बातें। अर्तुरुल ने छुपकर मुलाकात की अपने जाबाजों से और किस तरह खुफिया मुलाकात की अब्दुल रहमान से, सब कुछ बताओ जाकर ताकि उसकी आंखें खुल जाएं। आंखें खुल गई तो तू तो किनको अर्तुरुल से कोई खतरा नहीं रहेगा। समझ गए ना मेरी बात? जी समझ गया मैं, बहुत अच्छी तरह समझ गया। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कब गया और कहां हूं। मेरा क्या होगा अर्तुरुल? कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, बस तुम्हें सब्र करना है।
मैं जानती हूँ कि सिर्फ इस खानदान के लिए नहीं, पूरे कबीले की बका के लिए जिहाद कर रहे हैं आप। यही बहुत है मेरे सब्र के लिए। हर लम्हा दुआ करूंगी मैं और अपने गम को छुपाकर आपका इंतजार करूंगी। सब्र करने वालों को उसका सिला मिलता है। आपको बात करनी चाहिए गुंदूक तो भाई से, चाहे कुछ भी हो उन्हें आपके साथ होना चाहिए। सलजान खातून भी बहुत परेशान है। ठीक है, मैं भाई से दोबारा बात करूंगा, परेशान मत हो। क्या आपको लगता है कि इसे इतनी आजादी से जाने की इजाजत देनी चाहिए नोयान? बिल्कुल, इसे आजाद करके मैं इसका खौफ निकालना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि वो सोच रहा होगा कि मैं अपना वादा निभाऊंगा या नहीं। इसकी ये सोच बदलना चाहता हूं मैं। अगर ये भाग गया और वापस ना आया तो फिर इसे मरना होगा। जंगजुओं को अपने साथ मिला लेना। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे मुहाफिज मेरे आसपास ही रहेंगे। नोयान की निगाहों में हो तुम। बड़ी मछली को फांसने के लिए उसकी तरफ जाल भी बड़ा फेंका जाता है, भूलना मत ये बात। ये कैसे काम कर रही हो तुम? जाओ यहां से। रुक जे, क्या हुआ है? क्यों तुम सुबह सुबह सब पे गुस्सा निकाल रही हो? अकेला क्यों नहीं छोड़ देती है मुझे आप? सलजान खातून, गुंदोगदू भाई कहां है? कोई काफिला पहुंचने वाला है इधर, उन्हीं से बातचीत करने गए हैं गुंदोगदू। गोगचे, क्या अर्तुरुल और तुम्हारे दरमियान कोई बात हुई है?
या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है। सुलेमान शाह के बेटे से दोबारा मुलाकात हो गई। शुक्र है कि अल्लाह ने हमें दोबारा मिलवाया। अर्ज़रूम में खुश आमदीद ताजिर अहमद। कोनिया से मैं प्यार और सलाम लेकर आया हूँ आपके लिए। वालेकुम अस्सलाम। मेरे मामू कोरकुत और वालिदा हायमा ने भी आपको सलाम भेजा है। बहुत शुक्रिया भाई। काफले पे हमले में आपके नुकसान पर बहुत अफसोस हुआ मुझे। आपकी इस हमदर्दी के कदरदान हैं हम। अल्लाह रहम करे भाई। मैंने सुना है कि वो नौयान बदबख्त यहीं पर ही मौजूद है। अल्लाह उसके शर से सबको महफूज रखे भाई। इंशाल्लाह। आइए तशरीफ लाइए। भाई हमने हिफाजत इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। बहुत खूब। आइए भाई। घोड़ों को चारा डालना नहीं भूलना और कबीले की हिफाजत करना। अर्तुरुल, लोहार के पास जा रहे हो तुम? जी मामूजान। चलो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। जानता हूं तुम अपने कबीले के लिए काफी परेशान हो और तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि जो जिम्मेदारी तुम्हें तुम्हारे बाबा ने दी मेरे बेटे ने ले ली। मुझे तुम्हारे हाथ के इस हाल पर भी बहुत अफसोस है। अल्लाह तुम्हें जल्द शिफा दे। मगर याद रखना, मैं तुम्हारा मामू हूं और तुम्हारी मां मुझे बहुत ज्यादा अजीज है बेटा, और तुम भी। यकीन रखो कि तुम और तुम्हारा भाई बिल्कुल मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज हैं। इसलिए बेटा तुम बिल्कुल परेशान ना हो। अल्लाह ने चाहा तो तुम जल्द शिफायाब हो जाओगे और मनसब पर लौट आओगे। बात बस इतनी है मामू जान कि हमें यहां रहने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देना होंगी। उनके बगैर यह सरजमीन कबूल नहीं करेगी हमें। हलीमा सुल्तान का ख्याल रखो, उसे अकेला मत छोड़ो। तुम्हारी औलाद तुम्हारी मां को भी खुशियां देगी और कबीले को भी। बात समझ रहे हो ना बेटा? जी बिल्कुल मामू जान। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात दरअसल ये है, हमें एक ऐसे ताजर की तलाश है जो ईमानदार हो और हमारी मजबूरियों का नाजायज फायदा ना उठाए। ऐसा ताजर जो मंगोलों के खौफ से सोने को चांदी और चांदी को तांबा कहकर ना बेचे, यानी ईमानदार भी हो और बहादुर भी। अल्लाह शाहिद है इस बात का। कोनिया से लेकर कुस्तुनतुनिया तक मैंने एक एक बाजार देखा हुआ है। आपके जानवर फरवा है और आपकी खवातीन के हाथों के बने हुए पर्दे और कालीन बहुत ही खूबसूरत हैं। माशाल्लाह। और ये तमाम अशिया महलों में सजने के काबिल हैं। काय कबीले से तिजारत करना सब ताजिरों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इंशाल्लाह सौदा तय हो जाएगा। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं। इंशाल्लाह। और अब जब हम तमाम बातों पर मुत्तफिक हैं तो फिर देर किस बात की, बिस्मिल्लाह करते हैं। तनाबुल फरमाइए। सिपाहियों के खाने का इंतजाम हो गया कुछ अबाश? जी हो गया भाई। बहुत खूब, तो फिर हम भी शुरू कर सकते हैं। चले इंतजार किस बात का, बिस्मिल्लाह कीजिए। मौजूदा हालात के बारे में क्या राय है आपकी? मैं जिन शहरों में भी गया उन जगहों पर मैंने बहुत अजीब चीजें भी देखी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मौसम सरमा में भी ये कुफार बाज नहीं आने वाले।
चाहे मस्जिद हो या फिर कोई गिरजा, कोई भी जगह इन काफिरों से महफूज नहीं रह पाएगी। सलजुक रियासत अपनी आवाम की भलाई की कोशिश में लगी है, मगर इन जालिमों का मकसद रियासत को कमजोर करना है और उसकी दिफाई सलाहियत को खत्म करना है। सबसे पहले नौयान के डर का खात्मा जरूरी है जो लोगों के दिलों में बैठ चुका है। हमें मंगोलों को यह बताना है कि वो इस कबीले पर किसी भी सूरत हमला नहीं कर सकते। हमें सोने के ताजरों के उस सिलसिले को रोकना होगा जो मंगोलों की फौज को सामान रसद पहुंचाते हैं। इस तरह वो ये जान जाएंगे कि हम वो हाथ काट डालेंगे जो मालो जर के लिए उनकी जानिब बढ़ेगा। ये सब फौरन करना है क्योंकि वक्त नहीं है कि हम इंतजार में बैठकर अपने दिफा की तैयारी करें। नौयान को यह बावर कराना है कि वो और उसका लश्कर भूल कर भी इस तरफ आए तो उन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। मैं जाकर खैरियत लेता हूं सिपाहियों की। भाई हाँ, मैंने कहा मैं सिपाहियों को देख कर आता हूं अभी। हाँ ठीक है। होगा आने वाले खतरे का सोचें, क्योंकि जो खतरा मैं देख रहा हूं ये कबीला उसे नहीं सह पाएगा। खतरा तो मुझे भी नजर आ रहा है और वो खतरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है मेरे भाई। वो मुझ पर अंधा एतमाद करता है। मैं कभी भी कुंदूकतों को खत्म कर सकता हूं, उसे भी और उस ताजिर को भी। नौयान ने कहा है कि उसे वापस जाने दो। कुंदूकतों और उस ताजिर के लिए नौयान ने कुछ और सोचा हुआ है। जैसा हुक्म नौयान का। कबूल कीजिए मेरी तरफ से भाई। तय किया गया पूरा सामान साथ नहीं लाया मैं, आप बयाने में ज्यादा अशरफियत दे रहे हैं। ताकि आपको अंदाजा हो मैं कितना भरोसा करता हूँ आप पे। मैं आपकी सारी मसनूआत और सारे जानवर खरीदूंगा और आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। जज़ाकअल्लाह। मैं इस सौदे में मुनाफे में रहूंगा, ये सामान जल्द बिक जाएगा। मैं आपको इसकी बकाया रकम सामान मिलने के बाद अदा कर दूंगा। वक्त आने पर मैं आपको यहां से बाहिफाजत रवाना करूंगा। आप परेशान ना हो, आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अब मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह की अमानत। अपना ख्याल रखिएगा। दिली दमीज, तुमने अपनी जिम्मेदारी संभाल कर बड़ी हिम्मत बढ़ाई है हमारी। शुक्रिया सरदार। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। आमीन। आमीन। आमीन।
ये हमारी खुशनसीबी है कि तुम्हारे जैसा माहिर और तजर्बेकार असलहा साज हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह तुम्हें और हिम्मत दे। आमीन। दुर्गा कबीले को और काई कबीले को अल्लाह इन हथियारों के जरिए दुश्मन पे गलबा अता फरमाए। اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا اللہ ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما آمین یا اللہ تو قبول فرما بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر بسم الله الله اكبر قائل کیسے ہوئے؟ آخر کس کے کہنے پر تم نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا؟ میں نے اپنا فیصلہ ارطغرل کے کہنے پہ بدلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت اچھا اور نفع بخش سودا کیا۔ آپ بہت سمجھدار ہیں بھائی۔ بہت شکریہ کوچہ باش، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ غریبوں کی محنت وصول ہوئی۔ ہر آدمی کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ قبیلے کے لوگوں کو اگر جنگ و جدل میں ہی جھونکتے رہو گے تو ایک دن آئے گا کہ وہ اپنا قبیلہ چھوڑ جائیں گے۔ تم کیا کہتے ہو؟ اور دو درگا کے باقی سپاہی کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ آپ نے بہت سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ کیا ہے بھائی، کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ارطغرل بھائی کے جنگجو، میرا مطلب ہے کہ ترکو تورتوان، جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ ارطغرل بھائی بہت بہادر جنگجو ہیں، رومیلیا میں ان کی صلاحیتوں سے سب واقف ہیں، لیکن ہمارے جنگجو بے چین ہیں بہت۔ آخر بے چینی کس بات کی ہے؟ کہیں وہ دونوں قبیلوں کے سپاہیوں کے درمیان غلط فہمی نہ پیدا کر دیں اور میدان جنگ میں کائی جنگجو کہیں باغی نہ ہو جائیں جیسا کل ہوا تھا۔ اس لیے ارطغرل بھائی، بولو ایسا کیا کیا ہے ارطغرل نے؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ بتانا، مگر دال میں کچھ کالا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جنگجوؤں اور دلی دمیر کے ساتھ مل کر یقیناً کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں وہ۔ میں نے انہیں کل عبد الرحمن کے پاس جاتے دیکھا تھا، اس سے کوئی راز کی بات کی انہوں نے،
फिर दलीत अमीर को हिदायत दी, जिसके बाद दलीत अमीर ने हथियार बनाने शुरू कर दिए। बाद में बात करते हैं। जवानों, चलो बिस्मिल्लाह। अर्थुरुल को देखा है कहीं? गुंदोगदू का पूछा मुझसे और फिर चले गए। खैरियत है वालिदा? क्या बताऊं मेरी बच्ची, बस मुझे कुछ अजीब अजीब ख्याल आता रहे। खैर छोड़ो, यहां सब कुछ कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का, हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं वक्त पर सामान तैयार करने के लिए। क्या आप देखना चाहेंगी वालिदा? हाँ जरूर। आयतोलन के साथ कैसी गुजर रही है? एक दूसरे का रास्ता काटे बगैर अच्छी गुजर रही है। आइए सामान दिखाती हूँ। तुम भी बैठे हो लीमा। आखिर करना क्या चाह रहे हो तुम अर्थुरुल? मुझसे कबीले के मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं कहना। सच सच कहो, क्या इरादा है तुम्हारा? आपसे अकेले में बात करनी है। के जासूस ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं भाई। वो सारी रात जासूसी करता रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, और फिर मेरे खिलाफ भड़का दिया आपको। हाँ, लेकिन जानते हो क्यों? क्योंकि पूरा कबीला डरा हुआ है कि तुम उन्हें खतरे में ना डालो। वालिदा को, भाई को, अपनी बीवी को और मामू के कबीले को, जहां हम लोगों को इतनी मुश्किल से पनाह मिली। नौयान आपकी तरह सुकून से बैठकर मौसम सरमा नहीं गुजारेगा, नहीं वो ओहदे के लश्कर के आने का इंतजार करेगा। भाई, सलजूक सरहद के अतराफ हजारों मंगोल मौजूद हैं, हम क्या कर लेंगे मुट्ठी भर जंगजुओं के साथ हमला करके? सलजूक जमीन में बहुत से वतन फरोश मौजूद हैं, जो अपने वतन की कीमत लगाकर मदद करते हैं नौयान की और उसे रसद फराहम करते हैं। नौयान के इतने जासूस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उन जासूसों का रास्ता रोकना होगा हमें। कैसे? हम चाहें तो नौयान का जीना हराम कर सकते हैं, हमें उस तक पहुंचने वाली रसद को खत्म करना है बस। मैंने कैद में देखा है उन्हें, अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आप उसके बाद पता है क्या होगा अर्थुरुल? वो इस कबीले पर हमला कर देंगे और सब कुछ बर्बाद कर देंगे। फिर हम पर खुलकर सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। ये सिर्फ एक मौका बचा है हमारे पास, और इस मौके का फायदा हम अलाउद्दीन के लश्कर के साथ मिलकर ही उठा सकते हैं। यही सही वक्त है भाई, हकीकत को समझना होगा, क्योंकि उस वक्त जंग में शिकस्त यकीनी होगी। तू तक अभी नौजवान है, वो बहादुर जरूर है मगर नासमझ और मकरूर है, उसकी बातों में मत आए। मजबूरी बेपनाह की वजह से वालिदा की तरह साथ निभाने के लिए उसकी हाँ में हाँ मत मिलाए। उस खतरे को देखें जो कि अतराफ में है। दोनों कबाइल वहशी नौयान के आगे कुर्बानी के जानवर की तरह कुर्बानी के मुंतजर हैं। हर तरफ जासूस मौजूद हैं उसके। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा,
ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है भाई, हम मिलकर कर सकते हैं, यकीन करें मेरा। कैसे करेंगे हम? वालिदा से बात करते हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। आप बने सरदार, संभालें सब, बढ़ें आगे और हमले की तैयारी करें भाई। वालिदा नहीं, मगर आप ये कर सकते हैं। मामू के कबीले में पनाह गुजीनों की तरह काई कबीले को उसका मकाम नहीं दिला सकते भाई। आपको यह मुश्किल काम करना होगा भाई। समझे वक्त की नजाकत को, यह वक्त दोबारा नहीं आएगा भाई। जंग नहीं होगी, समझ लो तुम, कोई जंग नहीं होगी। नहीं उठा सकते हम मस्जिद लाशों का बोझ। आप बहुत बुजदिल हैं भाई, बुजदिल हैं। ठीक कहा, हां बुजदिल हूं मैं। मैं वो बुजदिल हूँ जो इस कबीले के इत्तेहाद की हिफाजत की कोशिश कर रहा है, जो बाबा ने जिम्मेदारी सौंपी थी उसे पूरी करने की कोशिश कर रहा है अपने दिलो जान से। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ना किसी की इज्जत की फिक्र है और ना किसी की जान की। मारे मुझे, इतना मारें कि मर जाऊं। मुझे मारने से अगर आपको याद आ जाए कि आप कौन हैं तो मारें मुझे। मारे ताकि आपको याद आ जाए कि आप कौन हैं। सुलेमान शाह की औलाद को याद आ जाए कि वो कहां से आया है और उसकी असलियत क्या है भाई। याद आ गया भाई, सब याद आ गया। याद आ गया जो मैं भूल गया था। बाबा को बेवकूफ बनाकर हमें इस हाल तक पहुंचा दिया तुमने। तुम मुझे बुजदिली का ताना दे रहे हो। बुजदिल तो तुम हो जो मुझे वालिदा से बगावत करने का मशवरा दे रहे हो। अगर याद नहीं आया अब तक तो फिर शायद ऐसे याद आ जाए भाई। जहन्नुम में जाओ, मेरी बला से तुम मर तुल। ये दोनों भाई काई कबीले को तबाह कर देंगे, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखते हैं इस लड़ाई का क्या अंजाम होता है। बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन काम किया तुम लोगों ने। बहुत दीदाजेब नक्श बनाया है, शाबाश सुलजान। रंगों का बहुत खूब इंतखाब किया है तुमने। हमने तो वैसे ही किया जैसे हलीमा ने हमें सिखाया था।
गोगचे ने जो जिरह बनाई है क्या वो नहीं देखेंगे आप हाइमा खानम? हाँ देखती हूँ अभी। जरा में किस चीज का इस्तेमाल किया है तुमने? तार और सख्त ऊन वालिदा, ना तो इसमें तीर लगेगा और ना ही नीजा आर पार हो पाएगा। बहुत खूब, बहुत मेहनत की है तुमने। दो दुर्गा और काई कबीले की औरतें साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ठीक कहा ना मैंने सलजान खातून? इंशाल्लाह हमारे जंगजुओं में भी हमारी औरतों की तरह इत्तेहाद परवान चढ़ेगा हाइमा खानम। क्या तुम्हें इसमें कोई शक है आयतुल्लन? आप और मेरे शौहर इस मामले को जिस फराख दिली से देख रहे हैं मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन अर्तुरुल के इरादे हम सबके लिए परेशानी का बाइस है। उसने जिरगे के फैसले का एहतराम किया है, शुक्र अदा करो इस पर। हाइमा खानम, अर्तुरुल भाई और गुंदोगदू भाई कबीले के दरवाजे पे झगड़ रहे हैं एक दूसरे से। मुझे इसी बात का डर था हाइमा खानम, अपने बेटे को समझाएं वरना वो हमारे लिए मजीद परेशानी का बाइस बन जाएगा। क्या बात है कोजाबाश? अर्तुरुल भाई, वो कबीले के दरवाजे पे कुंदुक तो भाई का इंतजार कर रहे थे। दोनों की तलख कलामी हुई, फिर हाथापाई शुरू हो गई। हम में से कोई भी उनका बीच बचाव न करा सका। क्या ये है आपका समझदार भांजा बाबा? पता नहीं ये ऐसा क्यों हो गया है। सब जान चुके हैं कि कौन फसाद फैला रहा है। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि अपने कबीले के लिए भी परेशानी का बाइस है अर्तुरुल। सरदार, आपको हर सूरत उसे उसकी हद बतानी पड़ेगी। या मेरे रब। हसद सरदार, हसद। हसद में इंसान अंधा हो जाता है और सोने पे सुहागा उसके साथ मौजूद अफराद, मसलन सलजान। हलीमा सुल्तान के हर वक्त कान भरती रहती है वो। बाबा, अगर आपने उसे नहीं रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम खामोश रहो सलजान। वालिदा, अपने बेटे को समझा ले वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा यकीन जाने। शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए? हाँ, क्या बेवकूफी है ये? तुम भाइयों के दरमियान इस हाथापाई का मैं क्या मतलब समझूं? बाबा की नसीहत तुम लोग भूल गए हो शायद। ये बातें मुझसे नहीं, अपने गैरतमंद बेटे से जाकर पूछे। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। सारी हदें पार कर ली है तुम लोगों ने आज। अगर आइंदा तुमने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो मरा हुआ मुंह देखोगे मेरा। भाई अगर कबीले में मौजूद नहीं तो वो यकीनन गेकली के पास गए होंगे। कबीले में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा दुआन। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। बता देना उस एक हाथ वाले सरदार को, उसके दूसरे हाथ में भी कील ठोक दूंगा अगर मेरे कबीले में दोबारा फसाद बर्पा किया तो।
तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। उस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो कबीले को लाहक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पास उसे और उसके जंगजुओं को कबीला बदर करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं चाहता हूं कि कोनिया में दाखिल होते वक्त मेरे नेजे पर कटा हुआ सर हो सुल्तान अलाउद्दीन का। क्या चाहती है? अपने शौहर की जासूसी करूं मैं आपके सामने? करनी पड़ेगी तुम्हें, जरूरत पड़ने पर तुम्हें यह भी करना पड़ेगा, कहीं मुझे मजबूरी में कोई सख्त फैसला ना करना पड़ जाए। हमें कबीले जाना होगा आखिरी बार, अब्दुल रहमान को वहां से निकालने के लिए, फिर कबीला छोड़ देंगे।